आपके साथ। हरियाणा विधानसभा चुनाव की वोटिंग से एक दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 5600 करोड़ रुपए के ड्रग केस को लेकर बड़ा बयान दिया है। शाह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा है, एक ओर जहां मोदी सरकार नशा मुक्त भारत के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है, वहीं उत्तर भारत से पकड़ी गई ड्रग्स की 5600 करोड़ रुपए की खेप में कांग्रेस के एक प्रमुख व्यक्ति की संलिप्तता बेहद खतरनाक और शर्मनाक है। कांग्रेस के शासन में ड्रग्स से पंजाब और हरियाणा और समग्र उत्तर भारत में युवाओं का जो हाल हुआ है वह सभी ने देखा है। मोदी सरकार युवाओं को खेल, शिक्षा और इनोवेशन की ओर ले जा रही है, तो वहीं कांग्रेस उन्हें ड्रग्स की अंधेरी दुनिया में ले जाना चाहती है। तो वहीं हरियाणा के कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी ने भी इस मामले पर अमित शाह के ट्वीट पर रीट्वीट करते हुए लिखा, सवाल ये है कि राजनीतिक रसूख के बदौलत ये परिवार क्या ड्रग कारोबियों को बचा रहा था, या फिर इतने बड़े ड्रग रैकेट से आने वाला अकूत धन हरियाणा के चुनाव में इस्तेमाल हो रहा है। शाह ने लिखा, कांग्रेस नेता द्वारा अपने राजनीतिक रसूख से युवाओं को ड्रग्स के दलदल में झोंकने का जो पाप किया जाना था, उन इरादों को मोदी सरकार कभी पूरा नहीं होने देगी। हमारी सरकार ड्रग्स के कारोबियों का राजनीतिक पद या कद देखे बिना ड्रग्स के पूरे तंत्र का विनाश कर नशा मुक्त भारत बनाने के लिए संकल्पित है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट जारी करते हुए सैनी ने लिखा, 5600 करोड़ के ड्रग्स रैकेट में कांग्रेस पार्टी और हरियाणा के एक राजनीतिक परिवार द्वारा संरक्षण के सबूत बेहद खतरनाक हैं। मतदान करते वक्त भी हरियाणा के सभी परिवारजनों को ये ध्यान रखना है कि हमारे युवाओं को कौन ड्रग्स के दलदल में धकेलना चाहता है और कौन नशा मुक्त कराना चाहता है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा को हम नशा मुक्त भी करेंगे और ड्रग्स रैकेट के पूरे तंत्र के साथ साथ संरक्षण देने वाले इन बड़े परिवारों का भी कानूनी तरीके से विनाश करेंगे, ये हमारा संकल्प है। इसी के साथ बने रहे एशियन न्यूज़ इंडिया के साथ।